हरे कृष्णा हरे राम जय श्री बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। भगवान ने हमें खुशियां ही खुशियां दी हैं। जलन और परेशानी यह तो इंसान की अपनी खोज है। कहते हैं मोह में हमें बुराई नहीं दिखती और जलन में हम अच्छाई नहीं देख पाते। हम इंसानों की यही तो फितरत है, जो हमारे आसपास होते हैं हम उनकी वैल्यू नहीं करते। हम लोगों को अनदेखा कर देते हैं और जो हमें सिर आंखों पर रखते हैं हम उन्हें भाव नहीं देते, और जो हमें भाव नहीं देते हम उनके प्रति अलग ही आकर्षण महसूस करते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल नहीं। जब कोई इंसान हमसे अच्छे से बात ना करे, हमारी कद्र ना करे, हमें इग्नोर करे, तो हम इस बात से परेशान हो जाते हैं। यह बात मैं सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते की नहीं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं कह रहा हूँ। यह आपका कोई दोस्त, कोई ऑफिस का स्टाफ, आपका कोई भाई या कोई भी इंसान हो, अगर कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप कभी कभी बात करते हो या आपको उससे बहुत कम लगाव हो, तो जब वह आपको इग्नोर करता है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर जिस इंसान से हम रोज बात करते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ हमारा लगाव रहता है, जिसके साथ हमने ढेर सारी बातें शेयर की होती हैं, जब वह इंसान हमें इग्नोर करे तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम परेशानी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर उसके साथ हमारा कोई मन मुटाव हो जाए या छोटी मोटी दुश्मनी हो जाए तो हम शांति से नहीं रह पाते हैं। हमारे दिमाग में भी सिर्फ वही बात घूमती रहती है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए, जिससे वह रिश्ता भी कायम रहे और समस्या भी खत्म हो जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे, धीरेंद्र शास्त्री ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे करने के बाद आपका दुश्मन सब कुछ भूल बैठेगा और वह आपसे अपनी दुश्मनी खत्म कर लेगा और वह आपका दोस्त बनना चाहेगा। तो आइए जानते हैं धीरेंद्र शास्त्री का वह उपाय। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम किसी के लिए हद से ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, हद से ज्यादा अच्छे रहते हैं, वे लोग हमारे भोलेपन के कारण हमें बेवकूफ समझकर इग्नोर करते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम अगर किसी की हर बात ना माने तो वह हमसे नाराज होकर अपना रिश्ता हमसे तोड़ लेता है। सबसे पहले तो आप उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। बिना वजह दोस्त को दुश्मन बनाने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप उनसे बात करें। जब कोई भी आपको इग्नोर करे तो उस इंसान से जरूर बात करें। बात करना बेहद जरूरी है, इससे पूरी स्थिति आपको समझ में आ सकती है और उस इंसान के उस व्यवहार का आपको पता चल सकता है। जाने अनजाने में भी हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिससे किसी को दुख पहुंच सकता है, तो पहले हम उनसे बात करके उस चीज को समझ लें। आप उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर आपकी किसी बात का उन्हें बुरा लगा है तो आप अपनी बात भी उनके सामने रखें और उन्हें मामले को समझाएं। आपको शांत रहना बेहद जरूरी है। अगर कोई आपको इग्नोर करे तो सबसे पहले आप शांति बना के रखें, क्योंकि ऐसे में इंसान को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में इंसान का दिमाग सही तरीके से नहीं चलता है। तो ऐसे में सबसे अच्छा यही होता है कि उस इंसान से थोड़ी दूरी बनाकर शांति से रहें। सही समय आने पर आप उनसे अवश्य बात करें। जब कोई भी आपसे रिश्ता तोड़ ले और आपको दुश्मन समझने लगे तो कोशिश करें उससे बात करने की। लेकिन अगर वह फिर भी ना समझे तो आप उसके कारण परेशान ना हो, उसे मनाने के लिए उसके आगे पीछे ना घूमें, क्योंकि इससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। और अगर आपकी कोई इज्जत नहीं है तो लोग आपको ऐरा गैरा समझते हैं। आपको अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है और अपने ऊपर काम करना है और अपनी सफलता से उनको जवाब देना है। आइए जानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या उपाय बताया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया, कैसा भी शत्रु हो, अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं, शत्रु से परेशान हैं, तो शनिवार और मंगलवार को जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और भाती का कच्चा धागा अपने पैर के अंगूठा से लेकर अपने सर तक नाप कर 7 बार उसकी बाती बनाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दो। कोई भी दुश्मन तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा और वह तुम्हारे सामने हार कर तुमसे दोस्ती कर लेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की वीडियो रोजाना प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।